नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मंदसौर जहां इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण ईश्वरीय प्रकोप लोगों पर इस तरह गुजरा है कि अब लोग दिवाली मनाने से घबरा रहे हैं। लोगों के पास जो कुछ भी था वो सब पानी में बह गया। मंदसौर के अफजलपुर में रहने वाले इन्हीं लोगों के परिवारों तक दिवाली की खुशियां लेकर पहुंची उज्जैन की एक संस्था संगनी। संगनी नामक संस्था के लोगों ने उज्जैन के अफजलपुर पहुंचकर लोगों को मिठाई, पूजा की सामग्री और नए कपड़ों का वितरण किया। लोगों के चेहरों पर कुछ हद तक मुस्कान लाने की ये कोशिश थी। जब यहाँ पर बाढ़ आई थी अभी से एक महीना पहले, तब मैं यहाँ पे आई थी कुछ राहत सामग्री लेकर। तब इन लोगों ने कहा था कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो अब हमारी दिवाली कैसे मनेगी। तो मैं इनको विश्वास दिला के गई थी कि हम भी आपके परिवार के ही लोग हैं, तो आपकी दिवाली ज़रूर मनेगी। और हमने सारी चीज़ें शहर से इकट्ठा की, कुछ हम लोगों ने किया, और सारा दिवाली का जितना भी एक पूजन सामग्री होती, मिठाई होती है, वो सब हम आज एक एक टोकरी बना के इन लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारे इन परिवार के मेम्बर्स के बीच भी दिवाली मने, इनके बच्चे मायूस ना हो और सब लोग खुशी से दिवाली मनाएं। बद्रीनाथ जब बाढ़ आई थी, केदारनाथ जब मैं दो बार उसमें भी राहत सामग्री लेके गई हूँ, कश्मीर बाढ़ में भी लेके गई हूँ, नेपाल वाले भूकंप में भी गए हम लोग, अभी केरल में भी जो बाढ़ आई थी उसमें भी हम लोग गए थे। तो जहाँ भी ऐसा आता है हम सोचते हैं हमारे देश के लोग, हमारे ही भाई बहन है, तो उन तक हमें पहुँच के उनकी मदद करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुन्नालाल। मुन्नालाल जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या क्या चीज़ें आपको दी गई? नारियल है, अगरबत्ती है, ये है दौड़ने की कुछ कुंची, और ये दी, ये है दीपक, और ये पाउज तेल का, और ये बिस्कुट मिठाई, ये फूल चढ़ी है छोटे बच्चे के लिए, ये माला है। माँ नुकसान तो सब वही गया साहब, दान चून सब खराब हो गयो, बर्तन वही गया, मैं तो चालो तो भैंसा वही गई एक दो ने, मैं सब पानी में तो निकलिया, डूब गया था अतरा तो पानी में तो निकलिया, मकान सब गिर गया। हाँ, दिवाली को सम्मान दे दो अभी आपने, अभी दिवाली को त्यौहार अच्छी तरह से मनावा। मेरा नाम देवीलाल धनगर, मैं BSF में हूँ फिलहाल, अभी जम्मू में पदस्थ हूँ। और गांव में जब अभी नवरात्रि पे छुट्टी काट के आया, मतलब छुट्टी लेके आया, तो गांव में पता चला कि मतलब बाढ़ वाड़ आ गई और काफ़ी मतलब पूरा माहौल ख़राब हो गया है। और लोगों के हमारे गांव में तो अक्सर गांव मकान कच्चे रहते हैं, तो कच्चे मकान तो लगभग पूरे गांव में आने से सब गिर गया। तो दीपावली का त्यौहार तो मनाने का कोई ये किसी के अंदर ये नहीं था कि हम त्यौहार मनाएं, कैसे मनाएंगे त्यौहार, क्योंकि त्यौहार मनाने का तो कोई ना कोई साधन है, कुछ नहीं। संगीत ग्रुप जो उज्जैन से हमारे बीच आया है, एक बार पहले भी आया जब बाढ़ आई और उसके दो चार दिन बाद, तो कुछ कपड़े वपड़े खाने का, कुछ अनाज वनाज दे के हम सभी को देखे गए। और अभी जो दीपावली का त्यौहार, जो हिंदू धर्म में सबका त्यौहार होता है, खुशियाँ होती है, पर गांव में तो पूरा इतना मातम टाइप हो गया कि मतलब खुशियाँ कैसे मनाए, ना कोई है। तो इसके लिए सभी ग्रुप फिर हमारे लिए एक दीपावली के लिए पूजन का सामान, मिठाइयाँ, साथ में दीपावली की तस्वीर, प्रसाद, कपड़ा, सबके लिए नए नए कपड़े, सब कुछ ला के हमको ग्रुप को, गाँव वालों को, गरीबों को, सबको दिया, ताकि गाँव में बहुत खुशी है।